प्रकृति की सुंदरता को डिस्क्राइब करना मेरे दोस्तों वर्ड से परे है। यह एक एहसास है, एक गहरा और पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमारी आत्मा को छू जाता है। यह एक आर्ट है जो हर पल हमारे आसपास रची जा रही है, जिसे हमें बस महसूस करने की जरूरत है। प्रकृति की सुंदरता हमें हर जगह दिखती है, चाहे वह ऊंचे पहाड़ों में हो, गहरे जंगलों में हो, अथाह समुद्र में हो या फिर विशाल आसमान में। यह हर पत्ते में, हर बूंद में, हर सांस में मौजूद है। आज इस सफर पर मेरे साथ आइए, जहां हम प्रकृति के कुछ सबसे मनमोहक पहलुओं का अनुभव करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह हमारी आत्मा को शांति और खुशी से भर देती है। कल्पना कीजिए, आप हरी भरी घाटियों से घिरे हुए हैं, जहां हरियाली की चादर ने धरती को ढक रखा है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ मानो आसमान को छू रहे हों। ये पहाड़ अपने आप में एक कहानी कहते हैं जो सदियों से यहां खड़े हैं। धूप की सुनहरी किरणें पहाड़ियों पर ऐसी खेल रही हैं जैसे कोई जादूगर अपनी छड़ी घुमा रहा हो। यह दृश्य मन को मोह लेने वाला है। हवा में ताजगी है, पक्षियों का कलरव है और प्रकृति का संगीत आपके कानों को सुकून दे रहा है। यह संगीत आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। नजरें थोड़ा और घुमाइए और आपको हरे भरे जंगल दिखाई देंगे, जो अपनी गहराई में अनगिनत रहस्य छुपाए हुए हैं, जो रहस्यों और किस्सों से भरे हुए हैं। इन जंगलों में हर पेड़, हर पत्ता एक कहानी कहता है। पेड़ों की शाखाएं मानो एक दूसरे से कहानियां कह रही हों और धूप की किरणें पत्तों से छिटक कर एक जादुई दृश्य बना रही हों। यह दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। क्या आपने कभी विशाल मैदानों का अनुभव किया है, जहां तक नजर जाती है सिर्फ हरी घास ही हरी घास दिखाई देती है? यह दृश्य आपको एक अनंतता का एहसास कराता है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ हरी घास ही हरी घास दिखाई देती है? यह दृश्य आपको एक अनंतता का एहसास कराता है। यह ऐसा दृश्य होता है मानो प्रकृति ने खुद एक विशाल हरा चादर बिछा रखा हो। यह हरी चादर आपको एक नई ऊर्जा से भर देती है। यहाँ शांति और एकांत का अनुभव होता है, जो शहरों की भागम भाग में खो जाता है। यह शांति आपको आत्म मंथन का अवसर देती है। और फिर वो शांत झीलें, जिनका पानी इतना साफ होता है कि आप अपनी परछाई देख सकते हैं। ये झीलें आपको एक दर्पण की तरह प्रतीत होती हैं, जिनका पानी इतना साफ होता है कि आप अपनी परछाई देख सकते हैं। ये झीलें आपको एक दर्पण की तरह प्रतीत होती हैं। पानी में पहाड़ों का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपनी तस्वीर बनाई हो। ये प्रतिबिंब आपको एक अद्भुत दृश्य का अनुभव कराता है। हर परिदृश्य, चाहे वो पहाड़ हो, जंगल हो, मैदान हो या झील, अपनी अलग ही कहानी बयां करता है। हर परिदृश्य में एक अनोखी कहानी छुपी होती है, अपनी अलग ही कहानी बयां करता है। हर एक दृश्य में एक अलग तरह की शांति और सुकून छुपा होता है। यह शांति और सुकून हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है। हमें बस अपनी आंखें खोलने और इस सुंदरता में खो जाने की जरूरत है। यह सुंदरता हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देती है। प्रकृति का जादू उसके बदलते रंगों में भी दिखता है। हर मौसम अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है। कभी वो हरी चूनर ओढ़े नजर आती है, जैसे किसी नवविवाहिता ने हरे रंग की साड़ी पहनी हो, तो कभी पीले पत्तों की साड़ी, जो हमें जीवन के सुनहरे पलों की याद दिलाती है। कभी वो सफेद बर्फ की चादर ओढ़ लेती है, जैसे किसी ने सफेद रेशमी चादर बिछा दी हो, तो कभी रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है, जैसे किसी ने रंगों की होली खेली हो। वसंत ऋतु में जब प्रकृति नींद से जागती है, तो चारों ओर रंग ही रंग बिखरे होते हैं। यह समय होता है नई शुरुआत का। पेड़ों पर नई कोपलें आ जाती हैं, फूल खिल उठते हैं और हरियाली चारों ओर फैल जाती है, और हवा में एक मीठी सी खुशबू घुल जाती है जो मन को मोह लेती है। गर्मियों में सूरज अपने पूरे यौवन में होता है। उसकी किरणें हमें गर्माहट देती हैं और जीवन में ऊर्जा भर देती हैं। फल पक जाते हैं और उनकी मिठास हमें ताजगी का एहसास कराती है, और चारों ओर एक अलग ही रौनक होती है, जैसे जीवन में उत्सव का माहौल हो। पतझड़ में पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं, जैसे जीवन के पुराने पन्ने पलट रहे हों, और जमीन पर एक रंग बिरंगा कालीन बिछ जाता है, जो हमें जीवन के रंगों की याद दिलाता है। यह मौसम हमें याद दिलाता है कि जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र नियम है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। और फिर आती है सर्दी, जब सब कुछ शांत और ठहरा हुआ होता है। यह समय होता है आत्मनिरीक्षण का। पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेते हैं, जैसे किसी ने उन्हें सफेद रंग से रंग दिया हो, और नदियां जम जाती हैं, जैसे समय थम गया हो। यह मौसम हमें आत्मनिरीक्षण और शांति का संदेश देता है, जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है।
हर मौसम अपने साथ कुछ नया लेकर आता है, कुछ खास। हमें बस जरूरत है इस बदलाव को अपनाने की। हमें प्रकृति के इस अनुपम नजारे का आनंद लेने की और इसके हर रंग को महसूस करने की, प्रकृति के इस जादू को समझने और इसके साथ तालमेल बिठाने की। चैप्टर 3, जीव जंतु और पेड़ पौधे। प्रकृति का जीवंत रंगमंच, प्रकृति का रंगमंच कितना विविध है। यहाँ हर कोने में एक नई कहानी छिपी है, हर दृश्य में एक नया रहस्य। यहाँ हर आकार और प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलते हैं। हर प्राणी और पौधा अपने आप में अनोखा है और सब मिलकर एक अद्भुत संतुलन बनाते हैं। ये विविधता ही प्रकृति की सुंदरता का असली रहस्य है। हर फूल, हर पत्ती, हर जीव अपने आप में एक कहानी कहता है। जरा सोचिए उन रंग बिरंगे फूलों के बारे में जो अपनी खुशबू से पूरी फिजा महका देते हैं। उनकी महक और रंग हमें एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। गुलाब का लाल, चमेली का सफेद, सूरजमुखी का पीला, हर फूल अपनी सुंदरता और खुशबू से मन मोह लेता है। इन फूलों की विविधता हमें प्रकृति की अनमोल धरोहर का एहसास कराती है। और फिर वो नन्हे नन्हे कीड़े मकोड़े जो अपने काम में मस्त रहते हैं, ये छोटे जीव भी प्रकृति के इस रंगमंच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चींटियां अपनी कतार में चलती हैं, मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती हैं और तितलियां अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर उड़ती हैं। इनकी गतिविधियां हमें जीवन के छोटे छोटे पहलुओं की महत्ता सिखाती हैं। जंगलों में शेर की दहाड़, हाथी की मदमस्त चाल, हिरण की फुर्ती और पक्षियों का कलरव सब मिलकर एक ऐसा संगीत रचते हैं जो मन को शांत कर देता है। यह संगीत हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का एहसास कराता है। समुद्र की गहराइयों में भी जीवन की कितनी विविधता है, वहाँ की दुनिया भी उतनी ही रंगीन और रहस्यमयी है जितनी धरती पर। रंग बिरंगी मछलियाँ, खतरनाक शार्क, विशालकाय व्हेल सब अपनी धुन में मस्त रहते हैं। समुद्र की यह दुनिया हमें जीवन के अनगिनत रूपों से परिचित कराती है। प्रकृति ने हर जीव को एक खास मकसद से बनाया है और सब मिलकर इस पृथ्वी को सुंदर बनाते हैं। यह विविधता और संतुलन ही हमारी धरती को जीवंत और अद्वितीय बनाते हैं। चैप्टर 4, रात का आकाश। रहस्यों और सपनों का संसार जैसे ही सूरज ढलता है और चांद अपनी चांदनी बिखेरता है, प्रकृति एक अलग ही रूप धारण कर लेती है। खूबसूरत नजारा जब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर आसमान में रंग बिरंगी रोशनियां चमकती हैं। अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिया का नजारा देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से कोई रंग बिखेर रहा हो। रात का आकाश हमें रहस्यों और सपनों की दुनिया में ले जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। चैप्टर 5, नदियाँ और झरने। जीवन का संगीत, नदियाँ और झरने प्रकृति की धड़कन है। इनका बहता हुआ पानी हमें जीवन का संदेश देता है। पहाड़ों से निकलकर जब नदियाँ अपनी यात्रा शुरू करती हैं, तो उनमें एक अलग ही उत्साह होता है। वो अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करती हुई आगे बढ़ती रहती हैं। झरनों का नजारा तो और भी मनमोहक होता है। ऊंचाई से गिरता हुआ पानी एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। इसकी कलकल ध्वनि संगीत से कम नहीं होती। नदियों और झरनों का पानी हमारे मन को शांति और ताजगी का अनुभव कराता है। इनके किनारे बैठकर हमें एहसास होता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। उत्तरो, प्रकृति का संरक्षण। हमारा कर्तव्य दोस्तों, प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने के लिए हमें बस अपनी आंखें और दिल खोलने की जरूरत होती है। हमें प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए, उसकी बारीकियों को समझना चाहिए और उसके साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहिए। लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि प्रकृति हमारी अमानत है और हमें इस